सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज तो मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि काफ़ी डेज से मैं क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ। तो मेरा ये प्लान है कि आज मैं कुछ अच्छा शूट करूँ, क्योंकि मेरे आज प्लान्स बन गए। तो ये था कि चलो आज बहुत टाइम से मैं क्या शूट वगैरह कर रहा हूँ, यूएस पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो सोचा क्यों ना एक ब्लॉग शूट कर लेता हूँ आज। तो मेरे थोड़े प्लान्स हैं आज के, तो मैं पूरा कवर करूँगा फुल डे में क्या क्या करता हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, जयपुर में क्या क्या फेमस प्लेसेस है जहाँ मैं जा रहा हूँ आज, कोई कोई रिजॉर्ट्स भी जा रहा हूँ मैं। सो अभी तो बस मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं निकल रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। लेट्स गो गाइस। टपरी आ चुका हूँ एंड अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है, क्योंकि सबसे पहले जैसे मेरा तो रिचुअल है कि स्टार्टिंग मैं ब्रेकफास्ट से करता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ और फिर देखता हूँ पूरे क्या प्लान्स हैं, अच्छे प्लान्स हैं। आज मेरे रात के 8 बजे तक के प्लान्स हैं, पूरे दिन ही मुझे बाहर घूमना है। सो मैं तो पहुँच गया हूँ, फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, मैंने ऑर्डर करी थी थाली, एक थाली होती है जिसमें पूरा प्रॉपर एक एक करके डिशेस आती हैं। सो मैंने जो स्टार्ट्स होता है वो कोकोनट वाटर से होता है और चाय वगैरह भी मिलती है, काफ़ी सारी डिशेस मैं दिखाता जाऊँगा। ये यहाँ का खाखड़ा जो है, बटर खाखड़ा, बटर मसाला बटर खाखड़ा बहुत फेमस है। ये बहुत अच्छा, वो टेस्ट भी बहुत अच्छा। कभी अगर आप जयपुर आते हो तो उसमें ज़रूर टेस्ट करो। यहाँ की तड़का मैगी है जो बहुत ही टेस्टी, और टपरी से बहुत फेमस भी है तड़का मैगी से। कभी आप विज़िट करो तो ये भी करना। ये छोटू इडली है, मतलब इडली के पास स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं, पर अनलिमिटेड होती है थाली, तो आप कभी आओ तो थाली ऑर्डर कर सकते हो। और ये लास्ट में डेजर्ट मिलता है, तो ये शायद कोई होल व्हीट का कोई डेजर्ट है जो काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि आपको बताया मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ, तो चाय तो लेनी बनती है, तो मैंने ली थी इलायची चाय। फिर गाइस मैं आ गया था दूसरे रिज़ॉर्ट जो मेरा पहला था, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद। तो हम यहाँ पर आ गए थे, ये है ट्री ऑफ लाइफ रिज़ॉर्ट जो मैं यहाँ पर आया था। मेरे को भूख नहीं थी इतनी, तो मैं नॉर्मली बस एक हल्का सा जूसेस वगैरह ऑर्डर किए थे। और ये पूरा व्यू वगैरह जो मैंने इस पर रील भी बनाई थी, काफ़ी बहुत शानदार व्यू है इसका, ये स्विमिंग पूल है आगे। सो गाइस हम आ गए थे हमारी तीसरी डेस्टिनेशन पे, जो था टीला रिज़ॉर्ट। अभी का जयपुर का सबसे लेटेस्ट और न्यू रिज़ॉर्ट खुला हुआ है ये। यहाँ पर कैप्सूल्स टेंट बनाए हुए हैं रेगिस्तान में, जैसे राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान के लिए बहुत, राजस्थान ऐसे फेमस है कि रेगिस्तान जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस ये रेस्टोरेंट है साइड में इसका, और ये पूरा एरिया चारों तरफ ये इनका ही है। नीचे काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, जैसे पेंट बॉल वगैरह। सामने ये सनसेट पॉइंट था अभी जो मैं अभी गया था, और अभी फिर हम जो सामने जो ये टेंट्स लगे हुए हैं हम देखने जा रहे थे कैसे हैं, कैसा रिजॉर्ट है, कैसे रूम्स हैं अंदर से, जो पूरा टेंट है वो कैसा है। तो काफ़ी दूर था तो हमने जीप ली थी, जीप से जाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चढ़ाई और ढलाई मिलती है आपको, तो इसलिए हमने जीप ली। फिर जीप से हमने ट्रैवल किया है, तो ये पूरा अब हमको एकदम इतना लंबा रास्ता था, अगर हम पैदल आते थे तो बहुत थक जाते, तो इसलिए प्रॉपर जीप आप हमको प्रॉपर एकदम टेंट के पास लेकर आई है। ये पूरा बाहर सिटिंग एरिया है टेंट के पास, ये सामने दो टेंट्स हैं जिससे कि कनेक्टेड है, कि रात में भी बहुत अलग अकेला अकेला सा लगेगा आपको नहीं तो। सो दो टेंट आसपास रहते हैं। फिर गाइस ये अभी मैं एंट्रेंस पे जा चुका हूँ और ये प्रॉपर अंदर से ऐसा दिखता है। अभी भैया लाइट ऑन करने गए तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ विद लाइटिंग्स, और इसका व्यू अंदर से कैसा है। ये पूरा जो कर्टेन है सामने से भी हट जाएगा। सो गाइस इसमें आती है सबसे पहले किचन, जैसे कि आप देख ही सकते हो ये किचन से स्टार्ट होता है। इसमें मिनी रेफ्रिजरेटर्स और सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको, पूरे ग्लासेस वगैरह। आप बनाना कुछ बनाना चाहो, कुछ खाना चाहो तो खुद बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आता है इसका मेन मास्टर बेडरूम, साइड में इन्होंने ठंड के हीटर भी लगाया हुआ, एसी भी लगाया हुआ गर्मियों के लिए भी, और मेन मास्टर बेडरूम आ गया इनका ये। सो गाइस ये पूरा ही सामने जो कर्टेन लगा हुआ है इसके पीछे पूरा व्यू है, साइड में इधर पीछे की साइड्स पे इधर वॉशरूम्स हैं ये दोनों, और ये मिरर है प्रॉपर आपके पीछे की साइड पे। आप जैसा होगा ये सिर्फ सिंपल, जैसे अटैच वॉशरूम नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर ये शावर एरिया है और ये टॉयलेट एरिया है। सो गाइस ये प्रॉपर एक टेंट के अंदर है, आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब मैं भी खुद इमेजिन नहीं कर पा रहा, ये टेंट के अंदर है, चारों तरफ टेंट है उसके अंदर, ये पूरा इन्होंने बनाया। और सर गाइस ये है इसका मेन व्यू, जो कि अंदर से आप कर्टेन हटा देते हो तो सनराइज सनसेट धूप वगैरह सब आती है इसमें से, बहुत बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा व्यू मैंने कभी नहीं देखा। और ऐसा नया इनोवेशन अभी ये जयपुर में आया है, जो ये अराउंड जयपुर के बाहर 40 to 50 किलोमीटर्स पड़ता है। सो गाइस पूरा रूम वूम देख के, पूरा सनसेट देख के मैं यहाँ से निकल गया था। अब हम वापस जीप से जाना पड़ा क्योंकि काफ़ी दूर आना पड़ता है इनकी मेन रेस्टोरेंट रिसेप्शन के लिए। और ये मैंने एक दो क्लिप डाली है मेरी जब मैं थोड़ा सा शूट वूट कराया। सो गाइस मैं आ गया था घर पे, एंड जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं आज मेरा प्लान है फुल डे का आउटिंग का, तो जो जो रिजॉर्ट्स गए थे मैंने पूरा डाल दिया। इवन अगर आपको कोई नॉलेज है तो मुझसे पूछ सकते हो, और कोई जो जयपुर से बाहर के कभी जयपुर ट्रैवल करे तो ये रिजॉर्ट ज़रूर जाएँ, क्योंकि मैं पहले मेरा जो यूट्यूब अकाउंट था
मैं ऐसे जयपुर घूमता रहता था और मैं ब्लॉग्स बनाता रहता था, काइंड ऑफ डेली ब्लॉगिंग भी करने लग गया था। फिर मैं इधर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की तरफ आ गया जो मैं यूज़ जा रहा था इसलिए। बट अभी अभी जैसे मेरा आज जो पूरी प्रॉपर आउटिंग थी, हमें थक गया था, इन्जॉय में ज़्यादा बिजी हो गया था, प्रॉपर शॉर्ट्स नहीं ले पाया, ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ ध्यान रखूंगा, काफ़ी अच्छे से ब्लॉग्स बनाऊंगा। एंड मेरा रहेगा, मैं मिक्स ब्लॉग्स लाऊंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तो रोजाना आएंगी आएंगी, पर आपको वीक में एक या दो ब्लॉग्स भी बाहर के दिखेंगे। सो गाइस, ये था ब्लॉग, और जिसमें एंडिंग करना भूल गया था, तो मैं अभी आया हूँ, अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं बस सोने जा रहा हूँ। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।